friends and comrades. The light has gone out of our lives, and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. तीस जनवरी की शाम को जब खबर फैल गई कि बापू की हत्या की गई थी, तो इस रास्ते पे एक सैलाब जनता का खड़ा हो गया था। लोग आते रहते थे, कई लोग यहाँ रुक गए थे, कई लोग यहाँ से अंदर जाने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन ये पूरा सील कर दिया गया था। पुलिस ने जब देखा कि भीड़ पर काबू करना, नियंत्रण करना मुश्किल हो गया है, तो उन्होंने ये विनती की कि बापू का जो देह है उसे जनता देख पाए, इस तरह से कोई अरेंजमेंट की जाए ताकि, वरना भीड़ इस किवाड़ को तोड़ के, इस जाली को तोड़ के अंदर घुस जाती और शायद कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाती। इसलिए फिर उस शाम को बापू के पार्थिव देह का जब मेडिकल अवलोकन हो गया, उनको नहला कर रखा गया, तो उनको उस छज्जे पे लाके उनके देह को रखा गया और उसके ऊपर लाइट डाली गई ताकि यहाँ खड़ा आम आदमी अपने बापू का दर्शन कर सके। और कई लोग यहाँ रात भर बैठे रहे। ये जो यहाँ से बापू की अंतिम यात्रा शुरू हुई, बापू के पार्थिव शरीर को लाया गया, गेट के बाहर एक वेपन्स कैरियर रखा गया था, उसके ऊपर बापू की के पार्थिव शरीर को रखा गया, और फिर जो आर्म फोर्सेस के 300 जवान थे, एयरफोर्स, मिलिट्री और नेवी के निशस्त्र जवान, उन्होंने अपने हाथों से इस कैरेज को खींच के यहाँ से राजघाट ले गए। उस ज़माने में पूरे हिंदुस्तान से जितने लोग आ सके वो सारे आए इधर। उस शाम को इस जगह पे करीबन 30 लाख लोग उपस्थित थे अपने बापू को विदा करने। जो पोरबंदर से एक जीवन की यात्रा शुरू हुई थी, उसका एक अंतिम पड़ाव है राजघाट, जहाँ पर 31 जनवरी 1948 को बापू के पार्थिव देह को का अग्नि संस्कार हुआ था। 31 जनवरी की शाम जो सामान्य जनता की भीड़ थी, उस भीड़ के अंदर हरिलाल गांधी जो बहुत ही बेहाल थे, करीबन एक भिखारी की तरह की जिंदगी उनकी हो गई थी, वो भी पहुंचे थे यहाँ पर, पर बड़े बेटे का कर्तव्य निभा नहीं सके थे, क्योंकि वो जो आखिरी एक वो था बापू के इर्द गिर्द का, बापू के पार्थिव शरीर के इर्द गिर्द तक वहाँ तक उनको पहुँचने नहीं दिया गया था, क्योंकि किसी ने उनको पहचाना भी नहीं। बापू की मौत एक रूप से हिंदुस्तान के लिए, उस वक्त के हिंदुस्तान के लिए एक आशीर्वाद बन गया। पागलपन की कगार पर जो पहुंच गया था, जहां से ये माना जाता था कि उसका अस्तित्व ही नेस्त नाबूद हो सकता है, उस कगार से वो संभल गया, पीछे हट गया, सहम गया या पश्चाताप हुआ ये पता नहीं, शायद दोनों हो गए। उस हत्या से सहम भी गए और पश्चाताप भी हुआ कि हमने ये क्या कर दिया। सबके मन में वो एक तरीके से बात, वो प्रश्न आया होगा कि कहीं इसमें हमारा कसूर तो नहीं है, कहीं हम इसमें हमारा दोष तो नहीं है, कहीं इसमें जिस पागलपन के शिकार हम हो रहे थे उसका ये नतीजा तो नहीं है। ये प्रश्न हिंदुस्तान तब सह नहीं सका, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को बचा लिया बापू की के बलिदान ने। भजन उनके लिए, काव्य उनके लिए लिखा गया था,
कि ये आखिरी कटोरा विष का भी तू पी ले बापू।